वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये आज का दिन बहुत ही अच्छे से मनाते हैं हम इंडियन लोग, जैसे एक त्यौहार से भी बहुत बड़ा है हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हम इसको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जैसे एक होली और दिवाली का त्यौहार होता है ना, ऐसे ही ये 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं हम इतने ही धूमधाम से। और आज मैं आपको उसी का लुक शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं आज का दिन हमने कैसे सेलिब्रेट किया और आप सबको भी अपने साथ रखेंगे। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सब लोग मिलके आज उड़ाते हैं 15 अगस्त पे पतंग और देखते हैं कि सब लोग कैसे कैसे पतंग उड़ाते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि 15 अगस्त पर कौन कौन लोग पतंग उड़ाते हैं और कैसे मनाते हैं 15 अगस्त का दिन, छुट्टी का दिन। और हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं सभी लोग, सबके लिए ही है ये बड़ा दिन। तो चलिए मैं आज आपको उसी का व्लॉग शेयर करूँगी, वीडियो पे बने रहिएगा। और बच्चे सारे जा चुके हैं ऊपर छत पे पतंग उड़ाने के लिए नहा धो के सुबह सुबह ही। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी सुबह के और धूप आज बहुत ज़्यादा है। और मेरी बहन बना रही है बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े, तो आज यही स्पेशल खाना बनाएंगे हम स्पेशल आज। और बस बच्चों को देख के आएंगे अभी। और बच्चों ने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया था, नहा धो के बस वो ऐसे ही चले गए थे और भी नाश्ता करवाया है उनको। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ खीर। आज मीठे कुछ मीठा हो जाए, अच्छा दिन है तो अच्छे दिन पे मीठा बनना तो ज़रूरी है। तो मैं बच्चों के लिए खीर बना रही हूँ और मेरी बहन बना रही है ब्रेड पकौड़े। और अभी मैं कस रही हूँ गोला और मैंने दूध उबलना रख दिया है गैस पे, चावल धो के डाल दिए हैं उसमें। और जब तक मैंने सोचा चलो गोला कस लेते हैं खीर में डालने के लिए। और ये देखिए दूध में उबाल आ गया है इसमें और मैंने चावल भी डाल दिए थे। और ये देखिए आधे से भी ज़्यादा मेरी खीर पक गई है, बस थोड़ा सा ही टाइम और लगेगा इसमें और खीर हमारी तैयार हो जाएगी। हमारी बन गई है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये गोला कसा हुआ। मेरे पास गोला ही था, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। और ये हैं किशमिश जो मैंने पानी में भिगो के रख रखी हैं, इनको डाल दूंगी। और इसमें चीनी डाल दूंगी जितना आपको मीठा पसंद हो उतना, और हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं मीठा तो हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा मीठा डालेंगे। और खीर तो वैसे भी मीठी ही अच्छी लगती है। तो बस ये है हमारी खीर बनके हो गई है तैयार, आ जाइए आप भी खा लीजिए।
बहुत ज्यादा थी आज के दिन, जैसे घटा जैसे मौसम होता है हर बार, ऐसा नहीं था। अब की बार बहुत तेज धूप पड़ रही थी और पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिख रही थी, वो कैमरे में आ नहीं रही थी धूप की वजह से, या ज्यादा ऊंचाई वाली नहीं आ रही थी, जो थोड़े नीचे पे थी वो दिख रही हैं एक दो, लेकिन आज पतंग बहुत ज्यादा थी। और अभी टाइम हो रहा है 1 से 1.5 बज रहा है अभी, दोपहर का टाइम हो रहा है और हम आ गए हैं नीचे खाना खाने के लिए। वैसे तो कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, सब मना ही कर रहे हैं क्योंकि सब ने ब्रेड खा लिए हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम नीचे आ गए। फिर हमने सोचा कि चलो शाम को जाएंगे, और अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। खाएगा कोई नहीं, एक दो फिर भी जो भी कोई खाएगा, एक आधा वो खा लेगा, मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मुझसे आलू के पराठे सही से नहीं बनते हैं, मैंने कहीं, इसीलिए मैं जल्दी से झटपट से कचौड़ी बना देती हूँ। कचौड़ी मुझे बनाना बहुत ही इजी लगता है, और आलू के पराठे बनाना मुझे बहुत ही बड़ा काम लगता है, वो मुझसे सही से नहीं बनते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ, मैंने सब्जी नहीं बनाई है, बस आलू के पराठे और वो खीर ही बनाई है। तो अभी कोई भी कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी और ये जो बच्चे खाएंगे वो भी खा लेंगे, उनके लिए भी बना के रख दूंगी मैं। और अभी बन रहे हैं आलू के पराठे और खीर, आ जाइए आप भी खा लीजिए। बहुत ज़्यादा है अब खाना, तो खाना वाना हमने खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट किया था, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी चैन नहीं है क्योंकि सब सारे लोग सारे पड़ोसी सब पतंग उड़ा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है। ये देखिए बराबर में जो हमारे खेत है वहाँ पे भी काफ़ी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, उसमें अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, वो खाली पड़ा है। जो तो जो थोड़ी दूरी पे दिख रहा है पीछे को, वो तोरी की बेल बो रखी है आधे में, और आधा ऐसे ही खाली पड़ा है। अगली बार शायद इसमें खेत नहीं बोएंगे। और ये देखिए कितने लोग यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे हैं और फिर भी दोबारा से आ गए हैं। अभी 3 से 3:30 का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी देर बस जब तक खाना खाया जब तक ये थोड़ी देर के लिए नीचे रहे हैं और फिर ऊपर आ गए हैं अपने पापा को लेके। इनके पापा को पतंग उड़ानी आती है और बच्चों को कम आती है, तो इसलिए इनको सिखाते हैं और बताते हैं और इनका ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं कुछ भी कर देते हैं, तो इसलिए इनके पास होना बहुत ज़रूरी है। अकेले भी इनको छत पे नहीं छोड़ सकते हैं, तो इनके पापा इनके साथ ही हैं पूरे दिन से आज, और इनको पतंग उड़ाना सिखाने हैं सबको। पतंग का सिलसिला इनका जारी रहेगा, इसका कोई टाइम नहीं है, पता नहीं कब तक उड़ाएंगे ये। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।